फेमिनिस्ट न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीजी इलेक्शंस, आज रमन के घर में हुंकार भरेंगे राहुल। बीजेपी कांग्रेस को कांटे की टक्कर। प्रतिबंध के बाद भी पुलिस प्रशासन के सामने ही जमकर चले डीजल जनरेटर्स। अब खबर विस्तार से। पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के प्रचार प्रसार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के लिए लगातार स्टार प्रचारकों के आने जाने का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए दौरे पर आए हुए हैं। कुरुद धमतरी में निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं खेल। बीजेपी कांग्रेस को कांटे की टक्कर। धमतरी जिले की दो विधानसभाओं में बागियों के कारण मुकाबला त्रिकोणीय बना चुका है। दोनों जगह कांग्रेस के बागी पार्टी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। इसके बावजूद त्रिकोणीय संघर्ष में किसी के भी जीतने का अभी से दावा नहीं किया जा सकता। एक बात तय मानी जा रही है कि बागियों के कारण फैसला बेहद कम अंतर से होना है। इसी वजह से हर प्रत्याशी एक एक वोट के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। राजधानी के लगभग हर इलाके में छठ के पर्व की धूम दिखी। विभिन्न स्थानों पर छठ घाटों को रोशन करने के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया गया। पर्यावरण प्रदूषण निवारण प्राधिकरण की तरफ से दिल्ली में डीजल जनरेटर पर रोक के बावजूद घाटों पर रोशनी के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया गया। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।